अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया सीकर पुलिस अधीक्षक के रूप में, और मेरे साथी अधिकारियों से वार्तालाप की है, कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और मेरी प्राथमिकताएं जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा जो निर्धारित प्राथमिकताएं राजस्थान पुलिस की, उनको ज़मीनी स्तर पर लागू करवाया जाए। इसी तरह राज्य शासन की प्राथमिकता है पारदर्शी तरीके से आमजन की सुनवाई हो, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, और आमजन की समस्याओं का निवारण करके उनको शीघ्रता से उनको रिलीफ मिले, इस बाबत ये पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। और इस बाबत जो है हम आगे की रणनीति पे काम कर रहे हैं। सर एक सीकर है जो कोटा के बाद में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर है, तो कोटा जैसी घटनाएं यहाँ पर नहीं है, उसके लिए पुलिस किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करी? बिल्कुल, ये चीज़ भी मेरे अभी संज्ञान में आई है कि चूँकि सीकर एक कोचिंग सिटी बन चुका है और यहाँ काफ़ी विद्यार्थी जो है विभिन्न कोर्सेज की कोचिंग प्राप्त करते हैं, तो आत्महत्या की प्रवृत्ति यहाँ पे भी दृष्टिगोचर हो रही है। इसकी जो है हम एक व्यापक रणनीति बना के अभी जो सीकर पुलिस द्वारा कार्रवाई चल रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसकी समीक्षा करके यदि आवश्यक होगा तो उसमें और सुधार करके हम इसको प्रयास करेंगे कि छात्र ऐसी जो है कोई घटना कारित नहीं करें। एक साहब जो गैंग है, गैंग के कई नए गुर्दे जुड़ रही है गैंग, तो उन पर लगाम कसने के लिए कोई विशेष अभियान वगैरह? बिल्कुल, सारी गैंग्स के खिलाफ सख्ती के साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी फ्री नहीं घूमने दिया जाएगा, प्रत्येक अपराधी शीघ्र ही सलाखों के पीछे अंदर होगा। एक साहब साइबर क्राइम है जो, उसको लोगों को जागरूक करेंगे या कोई स्पेशल? निश्चित रूप से साइबर अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। साइबर अवेयरनेस के साथ साथ हमारा दायित्व भी ये बनता है कि जो साइबर अपराधी है उनका शीघ्र से शीघ्र खुलासा हो, ताकि आमजन के साथ जो धोखाधड़ी और लूट खसोट हो रही है उस पर तुरंत अंकुश लगे। एक सर यहाँ जैसे कोचिंग संस्थान है, यहाँ देश भर के छात्र आते हैं और यहाँ पर नशे का व्यापार भी खूब फलफूल रहा है, उसको लेकर किस तरीके? कोचिंग संस्थान में चूँकि बच्चे काफ़ी युवा होते हैं तो उनमें इस तरह की प्रवृत्ति आज के आधुनिक समाज में देखने को मिल रही है कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है, तो कोचिंग के छात्रों में भी ये प्रवृत्ति हो सकती है। हम इस बाबत भी जो आवश्यक कार्रवाई है वो करेंगे। धन्यवाद।